हाय एवरीवन, गुड इवनिंग के साथ आज ब्लॉग शुरू किया जा रहा है, क्योंकि दिन में मैं काफी बिजी था और आजकल घर में काम काज लगा हुआ है, इस वजह से कभी घाट कभी घर में काम। तो आज फिर मेरे पास अपाची और अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो काफी लोगों का इंतजार था कि, और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि तुलसी श्रीनगर के बाद कहाँ है, और आखिरकार तुलसी घर आ चुकी है। तो ये तुलसी जी, तो हाय हेलो कर दीजिए। तो दोस्तों, तुलसी जी फिर पहुंच चुके हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड, यानी हमारे विलेज लुवाणी, यानी अपने घर में। अब तो इनका ही घर है, मेरा भी है ना, इनका ही, इनका मत सोचना। ये शर्मा रहे हैं अभी भी। आप श्रीनगर से आपको बहुत कुछ सिखाया था, थोड़ा बोलना बोलना। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये कुछ नहीं बोलना चाहते, बट आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज इन्हीं के घर जा रहे हैं हम, यानी शादी के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि ज़्यादातर मौका नहीं मिला ससुराल जाने का, यानी मुझे। तो आज मैं जा रहा हूँ ससुराल और साथ में तुलसी जी भी, तो अंधेरा हो जाएगा। तो आपको कितनी खुशी हो रही है ससुराल जाने में? थोड़ा सा अपने ससुराल सॉरी माई का जाने में आपको कितनी खुशी हो रही है, ये बोल भी नहीं रहे। तो दोस्तों, रात का समय होने वाला है, तो देखते हैं कहाँ तक वीडियो बना पाता हूँ। अगर वीडियो ऐसे ही मनोरंजन आपको देखना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारे देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को, रोड यानी सड़क को और हमारी लाइफस्टाइल को। तो चलते हैं आप मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की। तो दोस्तों, ससुराल आने में लेट हो गया था और रात को, तो वीडियो नहीं बन पाया। तो ये ग्लव्स यहीं पर फेंके हुए हैं, सीधे आके यहीं पर रहा क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी। और अभी का चाय बिस्किट आप भी इंजॉय करें ससुराल में, चाय बिस्किट का, और मैं भी कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ आइए चाय पीने। तो सुबह सुबह ससुराल में चाय मिलेगा तो काफ़ी आनंद होता है ना। तो मुझे भी काफ़ी चिल यानी सॉरी गर्म मज़ा आ रहा है चाय पीने में, क्योंकि गुड मॉर्निंग के टाइम कोई चाय दे दे तो काफी इंटरेस्ट बढ़ता है चाय। पानी ठंडो पानी। सो दोस्तों, अभी सुबह मतलब कि करीब करीब 9 बज रहे हैं और मेरे लिए नाश्ता आ चुका है, और यहीं पर सुबह 7 बजे चाय आई, अभी 9 बजे नाश्ता आया। ये मतलब ससुराल में जो इज्जत है ना जमाई की, काफी मजा, क्योंकि चाय भी इसी बिस्तर में, और कल जब मैं आया शाम को तब से इसी बिस्तर में हूँ और इसी बिस्तर में चाय खाना सब। मतलब गेस्ट एज अ गेस्ट, ज़्यादा दिन गेस्ट को नहीं रुकने चाहिए, इसलिए मैं आज ही अपने घर जाऊँगा, क्योंकि मेहमान एक दिन के लिए अच्छा लगता है, दो चार दिन के लिए नहीं। तो एक दिन में अच्छी खातिरदारी होती है, बार बार नहीं होगी, इसलिए मुझे अपना घर जाना पड़ेगा। तो आपको इस तरह की लाइफ स्टाइल और इन्जॉय कैसा लगा आप कमेंट जरूर रखें, और देखते रहिए मनोज बिष्ट चमोली के साथ। तो जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक हेलो भाई लाइक करें, हाथी लो भैया का, बाय कर फिर आज आए चल रहे नोनी, ठीक बाय। सो दोस्तों, अब मैं अपने ससुराल से फिर अपने गांव लुवाणी यानी अपने घर की ओर निकल पड़ा हूँ। तो काफी अच्छा लगा छोटे बच्चे से मिलके, यानी वाइफ के भैया के बेटे से, काफ़ी इन्जॉय किया उसके साथ। फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम, जब भी फिर उसे ब्लॉग में ज़रूर डालेंगे। तो ये गांव की गलियों से मैं अभी रोड में जा रहा हूँ, जहाँ पर कि मैंने बाइक खड़ी की है। तो आपको कैसा लगा हमारी लाइफ स्टाइल आप कमेंट अवश्य करें, और देखते रहिए नई नई जगह और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों को। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और इस वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, क्योंकि रोड पर लोग हैं और मुझे ज़्यादा हेजिटेशन होता है लोगों के गांव में। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां रहें वहीं व्यस्त रहें। लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।